मौजूद है अनारकली बाजार के एक ताजर, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो अनारकली बाजार है इसके क्या मसाइल हैं और आए रोज़ यहाँ पे क्यों जो है वो थड़े लगाए जाते हैं और जो मकामी इंतज़ामिया है वो इन थड़ों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। वाले सलाम, क्या नाम है आपका? तारक हुसैन। तारक हुसैन साहब, ये दसो कि ददियाल जरा अनारकली बाजार है जरा मसरूफ तरीन जी गली है, उस गली ने क्या मसाइल है और ओवरऑल जरा ददियाल है उसने क्या मसाइल है? मिसाल यह डजार शहर ने जनाब ये जनाब डजार बल्दिया जी है इन्हें डेढ़ डेढ़ फुट ने जनाब वाले दुकानदार जो दस दस भी हज़ार रुपया किराया देने उन्होंने निशान दिते ने कि डेढ़ फुट बाहर जरा ना माल लाओ तो लिहाजा जी रेहड़ियाँ चार चार पाँच पाँच फुट ने सड़क ने अपर इन्हें लवाई हैं उन्होंने कोई पुछ प्रतीत नहीं है, कोई कख नहीं है, दुकानदारों पर लोड है। तो असा जनाब इसने भी इजाद करना चाहते हैं कि इन रेहड़ियों की जनाब लिए तावत जगह दिता जाए और साइड पर जगह दी जाए लिहाजा बाजार की तंग ना किया जाए। तुसा क्या समझने हो बल्दिया ने ना आई लिया कि जरा ना अनारकली बाजार ने दो तरफा साइड पर जरा ना वो रेहड़ियाँ लगिया तजावज हुई है, क्या तुम समझने हो कि जरा ना बल्दिया कोई पता जता तो नहीं किन्ना पे बल्दिया इन्होंने को पैसे कि नहीं है? बल्दिया की नहली भी है जी अंजमे ताजरा ना सदर है अनवर डार ये उसनी मिक मिली मुकद न रेहड़ियाँ लगिया न दुकानदारों ने जनाब लिए वोटा कि उन्हें कि डेढ़ डेढ़ फुट ना थड़ा दिता अस लिहाजा जनाब लिए जरा ना इन्हें कि पटाया जाए ये फारिग कि जान शहर खुला वै ते कुछ मसाइल ना वै कस्टमर। एक दुकानदार जरा लखा रुपये लाए तो पकड़ी देना दुकान तैयार करना उसने समान बना उसने को इतना गाहक नहीं जाना तो जड़े थड़े लगे हुए ना जड़े थड़े पर लोग अच्छी चीज़ा खरीदी किन्ने या उस दुकानदार और थड़े वाले जरा दुकानदार है इसने भी क्या समझो फर्क नहीं है जरा थड़े वाला ज्यादा नहीं कमा दुकानदार को? थड़े वाला तो चलो कमाना वो किराया को नहीं देना सब कुछ जना फ्री है उसने 200 रुपया देना तो 10 फुट जगह मिली हुई है तो दुकानदार 20,000 रुपया किराया देना दुकाना ना डेढ़ फुट बाहर उसी इजाजत नहीं दीती जानी। तो बल्दिया डडियाल ने जो मुलाजमीन वो रोज़ अच्छे शहर फिरने तकने गलिया तकने रेहड़ियाँ लगियाँ और बेशुमार मसाइल है, क्या उन्होंने कन्ना पर जू नहीं रखनी या साड़ी जरा एडमिनिस्ट्रेटर है बल्दिया डडियाल ना उस भी कदा दौरा शहर ने नहीं किया? डडियाल शहर में जो एडमिनिस्ट्रेटर है मौजूदा उस दौरा किया इन ताजरा जनाब जी उसने खिलाफ हड़ताल की थी उस जड़ा कम किया बड़ा जबरदस्त किया फिर ब्लैकमेल करी तो उसकी जनाब ले जाना पने करी बल्दिया ले बता किन्ने रेहड़िया ने कोलों पैसे किन्ने जनाब ली इस पास अच्छे नहीं देने जदू बल्दिया उदू टुटसी जनाब पहले कॉल करी उड़ सन इन्हें कि रेहड़िया पट्टी चपट्टी नसी भजी जा सन साइड बजे सन। तुसा क्या समझने हो कि जेडे रेहड़िया पहले पट्टी नसी जाने इसने भी जरा ना बल्दिया ने जो मुलाजमीन है वह मुलवस है मुलवस सारे मुलवस हैं वो पहले फोन करिए अगाह करिए अगाह करने जनाब ही साइड पौड़ी जाने तो जे एडमिनिस्ट्रेटर है यासर रिया साहब वो जल्द इतने आए ना शहर वास्ते कम किया दो फुट ने जी उन्हें दस कि इतनी तजावज करी सकने हो तो जरा उतना मामला आया तुम क्या समझने उसने एसी साहब ना या एडमिनिस्ट्रेटर जो सारे उन्होंने कसूर थी या दुकानदारों का कसूर थी? उसने भी जरा सी ना जो डेढ़ फुट उन्हें जगह दी है उसने अंदर ये रहने नहीं दुकानदारों का कसूर से एसी साहब जो कम किया उसने सफाई की थी ये फिर जरा अंजमत आजना जो सदर से ना इन्हें इस मिली मलाई के जनाल ही जरा इन्हें कि जनाब लवाई लोई तो फिर अगर कराई उड़े हूँ तक पोजिशन क्या कि डेढ़ फुट ना निशान भी तकी जाओ तो इन्हें बाहर कटिया समान तो ये 10 फुट रेहड़ियाँ बाहर सड़कों बच्चे लगी हैं इसका मतलब है कि हर हर जगह जरा तजावज़ मौजूद है लेकिन बल्दिया डडियाल उस तजावज़ की हटाने वास्ते एकदम नहीं करी रहा एक लाइन लगी सी उस लाइन की दोबारा जरा ना उसने तजावज़ फिर स्टार्ट है जी हाँ तो तुम जरा इतना ना बल्दिया डडियाल ने एडमिनिस्ट्रेटर जनाब यासर रिया साहब उन्हें की क्या आखस हो उन्हें आने के बहुत ही नहल है एडमिनिस्ट्रेटर है बहुत ही नहल एडमिनिस्ट्रेटर है जी उसने इंतजामिया ना गए शायद उसकी बने नहीं गलत इस्तेमाल करने पे वो मौका अच्छी तक है जनाली बिदारना क्या लात है इस तो पहले चौधरी आफ्ताब साहब रेन बड़े जबरदस्त माहौल रहा साफ सुथरा शहर सी जनाली जदू ने आए न सारा इन्हें मुलाजमा गंद को ले आया जनाली।